नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सुबह हमारी हिंदी की क्लास होती है जिसमें हम क्या 40 क्वेश्चन होते हैं हिंदी व्याकरण के, वो इस वीडियो के माध्यम से क्या है एक मॉक टेस्ट के रूप में लगाते हैं। इससे पहले हमारी 18 क्लासेज हो चुकी है, आज ये हमारी 19वीं क्लास है। तो उन 18 क्लासों में क्या आप सभी का आपने देखा होगा कि आपका लेवल है वो अच्छा है, यानी आपने उच्च स्तर की तैयारी है वो कर रखी है, आपके नंबर है वो सही आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो आज हम 19वीं क्लास को हम शुरू करेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें क्या है, मैंने 4 से 5 टॉपिक की आज के आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, क्योंकि जो आपका एक फुल मॉक टेस्ट होना है आज, उसकी तैयारी में थोड़ा जुटा हुआ था, तो इसलिए क्या मैंने जल्दी जल्दी में 5 चैप्टर के आपके इसमें क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको सिर्फ क्या है आंसर अपनी बुक में नोट डाउन करना है और आगे बढ़ते रहना है। मैं सिर्फ प्रश्न बोलूंगा, आंसर आपको तुरंत देना होगा उसका। क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, निम्नलिखित में से एक किसी एक विकल्प में सभी क्या है पर्यायवाची नहीं है। वो विकल्प चुनना आपको कि कौन से एक में क्या है सभी क्या है पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इसको क्या है सोल्व कर ले, नोट डाउन करें इसको और आगे बढ़े। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम भी है। तो इसमें घर का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसने भी किया है वो बिल्कुल सही जवाब है, निकेतन, यानी घर का पर्यायवाची आपसे पूछा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको बताना है कि दास किसका पर्यायवाची है, दास किसका पर्यायवाची आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और 5 सेकंड का टाइम आपके पास मौजूद है। तो दास का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया है सेवक, ऑप्शन नंबर बी होगा दास का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आनंद का पर्यायवाची है, आनंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और इसमें से किसी एक का चयन करते हुए आपको जवाब देना है। आनंद का पर्यायवाची जल्दी जल्दी सोल्व करें और आगे बढ़े। तो इसमें आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, डी में क्या है प्रमोद, आनंद का क्या होता है प्रमोद, बिल्कुल सही जवाब होगा, पर्यायवाची शब्द पूछा था आपसे, आनंद का प्रमोद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, भवन का पर्यायवाची शब्द है, भवन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और इनमें से किसी एक का चयन करते आपको भवन का पर्यायवाची शब्द बताना है, भवन का पर्यायवाची शब्द बताएं जल्दी जल्दी और आगे बढ़े। तो भवन का क्या होता है, घर होता है, घर, ऑप्शन नंबर डी जिसने भी किया है, अपना एक नंबर जोड़े और आगे बढ़े, भवन का पर्यायवाची घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन करें और आगे बढ़ें। क्या होगा पहाड़ का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर सी शैवाल जिसने भी किया है आपका बिल्कुल सही जवाब है, शैवाल है वो क्या है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी क्या है पर्वत है, भूदर है और नग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हवा का पर्यायवाची शब्द वो कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएं और आगे बढ़े। हवा का पर्यायवाची शब्द बताइएगा कौन सा शब्द है वो नहीं है हवा का। 4 ऑप्शन में से सही कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सलील, ऑप्शन नंबर ए क्या है सलील है, वो हवा का क्रिया है पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल है, वायु है और समीर है, सभी क्या है हवा के पर्यायवाची है, जो सलील है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया है, अपना एक नंबर जोड़े और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से इसका सही जवाब दे और आगे बढ़े, टाइम बहुत कम है आपके पास। आम का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, आम का पिक है वो, आम का क्या है पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी अमृत फल है, आमर है और रसाल है, ये सभी क्या है आम के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आवर्त का, आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है, आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है, सही बताइए कि आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और जल्दी से जवाब दे।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भंवर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आवर्त शब्द का जो सही अर्थ है वो क्या है? भंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़ें। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए तुरंग, जिसने भी किया है बिल्कुल सही जवाब। एक नंबर जोड़ लें अपना और आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है आपको यह बताना है। जल्दी से जवाब दें और बताएं कि कौन से शब्दों में क्या है? स्वर संधि है। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है नी प्लस में विकार, नी विसर्ग प्लस में विकार, इसका आपको बताना सही शब्द क्या होगा? नी विसर्ग प्लस में विकार, सही शब्द बताएं क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है, निर्विकार। यानी निर्विकार, नी प्लस में विकार का संधि छेद था ये, इसका शब्द आपसे पूछा था क्या होगा? निर्विकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। जल्दी से बताएं कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी रत्नाकार। जो स्वर संधि का उदाहरण है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी रत्नाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के भेद बताना आपको कितने हैं? जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया बिल्कुल सही जवाब है, 5। ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि के भेद पूछे आपसे, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना आपको क्या होगा? तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि होगा। तपोवन में प्रयुक्त संधि है वो कौन सी है? विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको बताना है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है किसमें हुआ है? उत्क्षिप्त में कौन सी ध्वनि का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। क्या होगा इसमें? पढ़ाई में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका, पढ़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है वर्णमाला किसको कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें सही जवाब होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन नंबर डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका, ऑप्शन नंबर डी प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में अ और अंग में अंग क्या है? हिंदी वर्णमाला में ए और अंग क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी अयोगवा है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन बताना आपको कौन सा है? जल्दी से बताएं कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है इनमें से? सही जवाब क्या होगा इसमें? गे ज्ञानी ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा आपसे, संयुक्त व्यंजन वाला। नेक्स्ट
क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुने। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? क्या होगा इसमें? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ्य व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें ओष्ठ्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? कौन सा आएगा? अंकुर, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? कंठ्य ध्वनियां बताना आपको कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आप अपने मुख से बोल के देखेंगे कौन सी ध्वनियां वो कंठ से निकलती है चारों में से। क और ख निकलती है, ध्यान रखना क और ख। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अशुद्ध शब्द छांटना, आपको अशुद्ध शब्द छांटिए, अशुद्ध शब्द छांटना है और सही जवाब बताना है कि अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सी है जिसने भी किया है। अपना एक नंबर जोड़ लें और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गे ज्ञानी वाला है वह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? गे वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन नंबर बी आधा जय और ऋण खाली, आधा जय और ऋण से बना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर डी आग्मी शेपत पिक्का, आग्मी शेत पति का, ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? वन वर्ड चल रहे हैं, पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसमें आपका सही जवाब होगा संकल्प। ऑप्शन नंबर बी जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब है संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एक शब्द है प्रष्टव्य, शब्द क्या है आपका? प्रष्टव्य। इसमें आपको बताना है कि पूरा वाक्य क्या होगा इसका, पूरा वाक्य आपको बताना है क्या होगा प्रष्टव्य का। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही जवाब दें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पूछने योग्य, पूछने योग्य क्या बोलते हैं? प्रष्टव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंकशायिनी, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर बी जिसने किया है बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, योगदान में कौन सा समास है, योगदान में कौन सा समास है, योगदान में समास पूछा आपसे कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है, कर्मधारय समास बताना आपको किसमें है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और बताएं कि किसमें कर्मधारय समास है, किसमें है? ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पल में है,
कर्मधारय समास आपसे पूछा था निरोत्पल शब्द में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है चतुरानन में समास है, चतुरानन में समास है कौन सा समास आपको ये बताना है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीही, चतुरानन में ऑप्शन नंबर बी आएगा, बहुव्रीही समास है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है गर्व शून्य शब्द में समास है, गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा है ये बताना आपको, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करण तत्पुरुष, क्या है? करण तत्पुरुष है ऑप्शन नंबर बी गर्व शून्य शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है, हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है, जल्दी जल्दी बताएं और आगे बढ़ें। तो इसमें कौन सा है? अव्ययी भाव ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब आपका अव्ययी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन क्या आपका, आंख का नीर यानी पानी ढल जाना का अर्थ है, आंख का पानी ढल जाना का अर्थ बताना है, मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन आपका, और बताइए कि आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या है, क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी फटाफट, क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी निर्लज हो जाना, क्या होता है? निर्लज हो जाना, आंख का नीर है ढल जाना का अर्थ है निर्लज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है, पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मुहावरा है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, पेट में दाढ़ी होना ऑप्शन नंबर डी होता है इसमें, छोटी सी उम्र में ही बुद्धिमान होना क्या होता है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है गागर में सागर भरना का अर्थ है, गागर में सागर भरना का अर्थ है ये बताइए, गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है, जल्दी जल्दी क्या होगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जिसने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है, गागर में सागर भरना का अर्थ होगा थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कान काटने का मुहावरा है एक, उसका अर्थ बताना है, कान काटना मुहावरे का अर्थ बताइए, कान काटना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी चतुर होना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, कान काटना एक मुहावरा है इसका अर्थ आपको बताना था चतुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है छक्के छुड़ाना का अर्थ है, छक्के छुड़ाना एक मुहावरा इसका अर्थ बताइए, बहुत आसान है, तो छक्के छुड़ाना मतलब किसी को हराना ऑप्शन नंबर बी, जैसे कल भारत और न्यूजीलैंड का एक मैच था उसमें क्या न्यूजीलैंड ने भारत के छक्के छुड़ा दिए, 22 रनों से भारत को हरा दिया था कल न्यूजीलैंड ने, लगभग भारत वह मैच जीत गया था, तो उसमें क्या है न्यूजीलैंड ने भारत के छक्के छुड़ा दिए थे न्यूजीलैंड के बॉलरों ने। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन हिंदी सामान्य ज्ञान के, यानी हिंदी व्याकरण के, मैंने आपको आज 40 क्वेश्चन करवाए हैं, अब आपका काम बस था, आपको पता ही है, आपको पता है 40 में से आपके कितने नंबर आए। दूसरी बात वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, तीसरी बात इसको शेयर भी कर दिया करो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो या मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसका आप नीचे जवाब देते हो तो आप नीचे कमेंट में बताया करो, आपके कमेंट पढ़कर अच्छा लगता है और आपको रिप्लाई भी मिलता होगा। आपको इसी तरह से आपकी तैयारी क्या है जारी रखनी है अप्रैल तक, अप्रैल तक शिद्दत से पढ़ाई कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ क्या है, एक बात और हो सकता है आपका टेस्ट है वो आज शाम को हो या फिर कल मॉर्निंग में आपको है वो टेस्ट मिल जाएगा, आपको 85 नंबर का, 85 नंबर का आपका टेस्ट है वो या तो आज आपको इवनिंग में मिल जाएगा या फिर कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। आज मॉर्निंग की बात थी तो आज कुछ कारणों से वो क्या है अपलोड नहीं हो पाया, तो आपका कल मिल जाएगा आपको वो क्लास। तो आज की क्लास में बस इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।